कोरेला इलाके में महिला को मारकर जलाने की घटना सामने आई। वारदात का खुलासा तब हुआ जब लाश के टुकड़े मुंह में दबाए गांव में घूम रहे आवारा कुत्तों पर लोगों की नजर पड़ी। क्या है महिला की निरंशस हत्या की खौफनाक दास्तान, देखिए रिपोर्ट। कोरेला इलाके में महिला की नशंस हत्या के बाद लाश जलाने की कोशिश, ग्रामीण जता रहे गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका। कोरेला पुलिस ने शुरू की तहकीकात। बिलासपुर के कोरेला थाना क्षेत्र में 35 साल की महिला की हत्या के बाद लाश को जलाने का सनसनीखेज मामला दर्ज किया गया है। घटना बेलकोहनी गांव की है जहां एक महिला खेत में घर बनाकर रह रही थी। बीती रात अचानक उसकी हत्या हो गई। ग्रामीणों को आशंका है कि हत्या से पहले गैंगरेप किया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। पेड़ वगैरह था, झाड़ में था, लेकिन अतिथि सब बाहर हुआ था। एक पैर दाहिने तरफ का वो नहीं, वो कटा हुआ था, खुला है। पुलिस वाले उसका भाई चुप रहे, उसके सरपाँव साइड शायद नहीं जला था, बाकी इतना पोर्शन पूरा जल गया, अतिथि पूरा बाहर, उसमें आग वांग कर कुछ पूरा हो। क्या लगता है सर, मतलब मारने के बाद उसे जला दिया गया पूरा? तो मारने के बाद जला दिया गया है, लेकिन पूरा जल नहीं पा रहे हैं, उसके बाद फिर उसे छोड़ दिया। तो फिर कोई जानवर खा गया है या तो आदमी खा गया? मेरे को लगता है जानवर ही खा गया है, ये तो आदमी भी खा सकते, इसको हम देखे कह रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे गाँव वालों का कहना है कि उसे हम बलात्कार भी किया गया होगा, इसको हम इसके बारे में हम कुछ आशंका जाहिर कर रहे हैं सर, क्या कहते हैं आप? जन्नान पूरा जले हुए थे ना, जन्नान पूरा अतड़ी होते सब सब गायब है। हम तो निश्चित नहीं बता सकते क्या हुआ था क्या हुआ। सुबह खेत से गुजर रहे ग्रामीणों ने देखा कि एक अधजला शव कुत्ते नोच रहे थे, शव से पैर अलग हो गया था। घबराए लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जब मौके का मुआयना किया तो अंदर का नजारा होश उड़ाने वाला था। जिस घर में महिला रह रही थी उसका दरवाजा टूटा हुआ था, जबकि घर से लगभग 50 मीटर दूर एक अधजला शव पड़ा हुआ था जिस पर धान का पैरावत डालकर जलाने की कोशिश की गई थी। लाश देखते ही साफ नजर आ रहा था कि महिला की हत्या की गई है और सबूत मिटाने की नियत से लाश को जलाया गया है। अरे परसों रात में हुआ है, कल पता चला है, कोई भाई से चराने वाला देखा है तो बताया कि ऐसा हो गया है, फिर जानकारी दिया। फिर यहाँ का जो मालिक है अनीस खान, उनको जानकारी दिया गया, फिर उनके द्वारा जो है पुलिस को खबर किया गया है। फिर यहाँ जो है तो पता चला सब हल्ला हुआ चारों तरफ। हाँ। क्या घटना हुई थी यहाँ पर? यहाँ पर वही मार दिए हैं उसको। हाँ। पैरा में भूंज दिए, चला दिए, जला दिए हैं। हाँ। क्या लगता है इसके साथ क्या हुआ होगा, कुछ घटना वटना? अब इसके साथ सर बलात्कार भी हुआ होगा, जब उसका हत्या किए हैं, जला दिए हैं, तो बलात्कार जरूर हुआ होगा। और घर से किनारे लाके? तो घर से किनारे लेके आए हैं, पायरा के किनारे में, घर से दूर है और बगल में पायरा है, इधर गड्ढे हैं। यहाँ उसके साथ पहले रात में बलात्कार किए फिर जला दिए, ऐसा कुछ हुआ ही होगा। कितने लोग हो सकते हैं इस घटना को के पीछे? इसमें सर एक दो लोग तो नहीं कर सकते। हाँ। जब हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ होगा, तो कम से कम दो से तीन लोग ही रहे होंगे। तो दरवाजा भी टूटा है? दरवाजा भी टूटा है और पूरा वहाँ उसका सब बक्कल अक्कल जो लगाए रहे ना। हाँ। वो सब टूटा फूटा वहाँ पड़ा था। मतलब वहाँ से इसको घसीटते अंदर आए हैं? घसीटते वहाँ पे बहुत लड़े उड़े होंगे ना। हाँ। वो छुड़ाती रही होगी, ये पकड़ के वो करते रहे होंगे। चलो तब ना, पूरा टूटा फूटा है, पूरा फैला था। पुलिस ने लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि लाश को बुरी तरह जला दिया गया है और जब पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो शरीर की आंतड़ियां भी गायब थी। लाश को जानवरों ने बुरी तरह से नोचा था, इसलिए शव देखकर यह अनुमान लगा पाना काफी मुश्किल है कि उसके साथ बलात्कार किया गया था या नहीं। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ये यहाँ पर तो बता रहा खेत वाला कि दो साल से रह रहे यहाँ पर, बाकी वहाँ रहते रहे वो वाले, अभी
टूट गया था वो तो, यहाँ रहने लगी तो अकेले रहती थी यहाँ? हाँ अकेले रहती थी। तो आप कल परसों उसकी हत्या हुई, जला दिया गया, क्या लगता है कैसे हुई होगी घटना ये? ये तो नहीं जान पाई सर, लेकिन अंदाज क्या बोल लगता है आपको मन में कि यहाँ से 50 मीटर लड़की को ले जाके घर से दरवाजा टूटा है, घसीट के लेके गए, जला दिया? हत्या करना रहता तो यहीं भी कर सकते रहे, सामने कुआं रहा उसमें कर सकते रहे, तो वहाँ ले जाने के पीछे क्या लगता है आरोपियों की क्या मंशा रही होगी? क्या बलात्कार की रहवान है लड़की के साथ और फिर वहाँ ले जाके जला दिए, हत्या करके जला है ना उसकी? लगता तो है सर, अब जानकारी हो सकता है ना हत्या के बाद उसको। ग्रामीणों के मुताबिक महिला काफी समय से परिवार से अलग होकर अकेले रह रही थी, जबकि उसके घर के आसपास कोई आता जाता नहीं था। घर का दरवाजा टूटा होने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक से ज्यादा लोगों ने वारदात को अंजाम दिया होगा। तहकीकात कर रही पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करने के बाद आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की है, जबकि गैंगरेप की आशंका की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। हवालात के लिए पेंड्रा से विप्लव गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर के बाणगंगा इलाके में दर्ज